इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि आप अपने WhatsApp पर लोकेशन कैसे भेज सकते हैं। अगर आप कहीं पे घूम रहे हो या फिर आप कहीं पर हो, आप अपने दोस्त को लोकेशन भेजना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि आप WhatsApp पर लोकेशन कैसे भेज सकते हो, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आप WhatsApp को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से उस चैट पर आ जाइए जिसको आप लोकेशन भेजना चाहते हैं। तो आप अपने उस दोस्त के चैट पर आ जाइए जिसको आप लोकेशन भेजना चाहते हैं। अब यहां से आपको एक ऑप्शन दिखेगा अटैच का, देख सकते हैं यहां पर अटैच का एक ऑप्शन दिखेगा, ये बटन दिखेगा अटैच का, इस पर क्लिक कीजिए। अटैच के बटन पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको एक ऑप्शन दिखेगा लोकेशन, देख सकते हैं यहां पर लोकेशन के ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से आपको परमिशन में पूछेगा, परमिशन आपको अलाउ कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी परमिशन मांगे इसको आपको अलाउ कर देना है। अब यहां से आप अपना लोकेशन जो है वो परमिशन अलाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप सबसे पहले तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर इस पर क्लिक करना है आपको एक बार। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका लोकेशन होगा वो लोकेशन को आपको इस तरह से ट्रैक कर लेगा। और उसके बाद यहाँ से आपको शेयर लाइव लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, शेयर लाइव लोकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 15 मिनट, 1 घंटा और 8 घंटा का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपना जो लाइव लोकेशन है वो कितने घंटों के लिए आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, यानी कि भेजना चाहते हैं। अगर आप 15 मिनट के लिए सेलेक्ट करके भेजेंगे तो आपका जो दोस्त है वो आपका लोकेशन 15 मिनट तक ही देखेगा और 15 मिनट के बाद आपका लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, नहीं देख पाएगा कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो आप जो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जितना घंटा के लिए आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इस सेंड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो दोस्त है वो आपका लोकेशन जो है वो देख सकता है। वो कैसे देखेगा, सिंपल सा, आपका दोस्त अपना व्हाट्सएप खोलेगा और जो आपने ये लोकेशन भेजा है उस पर इस तरह से टाइप करेगा और टाइप करके आपका लोकेशन देख सकता है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन आता है, अटैच पे क्लिक करेंगे, लोकेशन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन होता है सेंड योर करेंट लोकेशन। ये जो दूसरा ऑप्शन है सेंड योर करेंट लोकेशन, अगर इसको सिलेक्ट करके आप भेजेंगे तो ये इसमें आपका जो दोस्त है वो सिर्फ आपका करेंट लोकेशन देख सकता है और इसमें जो आप मैंने बताया उसमें आपका लाइव लोकेशन देख सकता है, यानी कि लाइव लोकेशन में आप जहाँ जहाँ जाओगे, जैसे जैसे जाओगे वो सब दिखेगा और करेंट लोकेशन में बस आपका जो लोकेशन है आप जहाँ पर अभी खड़ा हो बस उसी का लोकेशन दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में आपने सीख लिया किस तरह से आप व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।